अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम सलाम अरशद मियां। आपा, मैं सोच रहा था कि इमरान और सनम। अरे वाह, मेरी तरफ से तो हाँ है, सनम मेरी पहली पसंद है, फिर भी इमरान से पूछना पड़ेगा। आपा, हमारी सनम तो इस मामले में सब कुछ हमारे पे छोड़ दिया। आपा अरशद मियां, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहो आप। आजकल के बच्चे पसंद करके रख ले रहे, जब उनसे शादी की बात करो हल्लू पत्ते खोल रहे। पूछ लेना अपन लोग, अगर ठीक ठाक पसंद करके रख लिए तो शादी वहीं करवा देना। लो, तुम्हारा भांजा भी आ गया है, बात करो। मामू? मामू है? जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे क्या मामू, हैदराबाद को तो भूल ही गए आप, 3 महीने से आपकी सूरत नहीं देखा वहीं। आप नहीं दिख रहे तो आसमान के चांद मामू को देख के आपको याद कर लेना पड़ रहा। मियां, मैं नहीं आता तुम ना भी नहीं आते क्या? विखाराबाद कितनी दूर है? अरे मामू, अम्मी तो 2 महीने पहले जाए थे ना विखाराबाद को। और तू, 3 साल हो गया विखाराबाद की सूरत नहीं देख के। ठहर बेटा, तेरी शादी तो विखाराबाद की बच्ची से करता हूँ। फिर देख, ऐसा तेरी बीवी हर हफ्ते खींच के लाती तेरे को विखाराबाद को। ऐसा नको करो मामू, मैं गांव की बच्ची से शादी नहीं करता हूँ। अच्छा अरशद मियां, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके अपा, और आपकी बीवी को सलाम दुआ। आप भी ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। तेरी शादी की बात हो रही थी सनम से। क्या, सनम से मेरी शादी? अरे क्या मैं अपना खानदान वाले फोनों पे ये खिचड़ियां पका लेते बैठते क्या? इनकी शादी इनसे, इनका रिश्ता इनसे। अरे मैं नहीं करने वाला हूँ सनम वनम से शादी, उन्हें मेरे को भाई बोलती, और मैं हमेशा से उसकी छोटी बहन के साथ ट्रीट करा अम्मी। तुम अकेले ही नहीं है जो कजन से शादी कर रहे, आजकल ट्रेंड चल रहा कजन से शादी करने का। अरे होगा अम्मी ट्रेंड, मगर मैं एक तो नहीं थी मोटी। कब देखा था बेटा तू उसको? परसों मिस देखा, 3 साल पहले। 3 साल पहले परसों नहीं होता, ये हैदराबाद का परसों है। खैर अब देखा तो पहचाना नहीं, इतनी दुबली पतली नाजुक, फिल्म की हीरोइन भी इसके सामने काम नहीं करना। अरे कुछ तो बोल मेरे बच्चे, कहीं इन्हें किसी को पसंद करके तो नहीं रख लियो। मालूम करना पड़ेगा आखिर इसके दिल में क्या है। राज, राज। अरे क्या हुआ है भाई, मांजे बढ़ गए, चांदनी बढ़ गया तू? तुम लोगों को ही मालूम हो गया? अरे हमारे अम्मी रे भाई मामू की बच्ची से शादी कर लो बोल रहे। कजन भाई से? अरे होले उन्हें तेरी मुमेरी बहने, तेरे को भैया बोलती। सडनली इसको सैया बोलना कितना मुश्किल होता होगा। हरे भाई मेरे को भी कैसा कैसा किस दिख रहा, हौलल हो रही अंदर से। अच्छा तू देखा उसको? हाँ देखा था, 3 साल पहले, अच्छी थी मगर मोटी थी थोड़ी। फिर तो तेरे मामू चिपका दे रहे बाप, उसकी कहीं पर भी शादी नहीं हो रही बोल के। हमारे अम्मी बोल रहे थे यार वो, अब अच्छी हो गई थी, दुबली पतली खूबसूरत, हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई तूने। अब एक बार देख ले, बाद वक्त खूबसूरत लड़कियों को कजन मान के अपन शादी नहीं कर लेते, गैरों में कर लेते। फिर अब वो कजन सामने आती ना ऐसा हाथा मल लेते, इतनी खूबसूरत बच्ची से शादी नहीं करके सड़ी सूरत की औरत से शादी कर लिया बोल के। अरे यार तुम लोगों से मशवरा करे तो तुम लोग पूरा फलसफा झाड़ देते रे भाई। मैं तो बोल रहा हूँ एक बार उससे मिल ले, फोन पे बात कर ले, उसके बाद फैसला कर। क्या करूँ रे भाई, समझ में नहीं आ रहा, मेरे से 5 साल की छोटी है रे भाई, पूरा बचपन उसको गोद में उठा के खेल लेते फिरता था मैं। ठीक है अब दुल्हन बना के गोद में उठा के ला ले। चलो रे भाई चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा तुम्हारे को मालूम खानदान में आजकल कुछ वायरल चल रहा? नहीं मालूम, क्या वायरल है? तुम्हारी और मेरी शादी को लेके वायरल चल रहा। क्या बोल रहे हैं आप इमरान भाई? देखो यश बोल दो, तुम भी जाके इमरान में बोलती हूँ उनको, उनसे शादी नहीं कर सकती हूँ बोल के बोल दो। नहीं नहीं मैं नहीं करती हूँ, मेरे को लाइफ में एक्साइटमेंट होना, कजिन से शादी करे तो क्या एक्साइटमेंट रहता लाइफ में। परफेक्ट, चलो सेट है, अब तुम समझ गए, यश बात जाके सीधा मामा मामी को बोल दो अपनी शादी कैंसिल। Thank you.
सतो। क्या बोलूं घर वालों को, वैसे अभी तक कोई मुझसे कुछ पूछे भी नहीं। इमरान भाई वैसे दिखने में अच्छे ही है और नेचर भी हेल्पफुल नेचर के है और हैंडसम भी है। अब ऐसा लाइफ पार्टनर कभी मिलता कि नहीं मिलता भी, इनकार करना कहीं हिमाकत तो नहीं होगी। सनम से कुछ बात करें या नहीं? अरे बेगम, सनम मेरी बेटी है, मैं जैसा बोलूंगा वो वैसा सुनेगी। बेटी सनम, इमरान का रिश्ता तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? इमरान भाई, अब ये भाई भाई बोलना छोड़ो। देखो बेटे, अगर तुम्हारी मर्जी है तो बात को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो बात को ही खत्म कर दें। अब आप लोग मेरे बारे में सोचे तो कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। देखिए बेगम, मैं जैसा वाला सा सुनती मेरी बेटी। आपा सनम की तरफ से तो हाँ है, अगर इमरान मियां भी राजी हैं तो पहली फुर्सत में आ जाइए मुंह मीठा करने के लिए बेचारा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है अर्शद मियां, मैं इमरान से पूछ के बताती हूँ। सनम की तरफ से हाँ है, अब तुम्हारे जवाब का इंतजार में है वो लोग। क्या सनम की तरफ से हाँ है? हाँ। अम्मी ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। अब क्या है कि तुम लोग बात कर लो। कल अपनी बातचीत हुई थी शादी को लेके, तो तुम क्या बोले? नहीं, मैं कजन से शादी नहीं करती हूँ, क्या एक्साइटमेंट रहता है मेरी लाइफ में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहीं को करेगी भामटे बात, जब शादी करना ही था तो सीधा बोल देते, तो मैं का गरीब शरीफ को देख के तुम्हारी शादी तो भी कराया था, मेरे को फंसाना जरूरी था तुम्हारे को? या पूरी हमारी अम्मी दादा दादी सबके सामने मेरी इज्जत चली गई? हेलो हेलो, क्या तुम भी सोच रहे कहाँ गए वह? हेलो, क्या है ये? हेलो, मैं थोड़ी देर से कॉल करता हूँ। हाँ कोई हक नहीं किसी को इतना खूबसूरत होने का। अम्मी, बिखराबाद की जाने की तैयारी करो।